कोर्ट में सुनवाई के लिए आए युवक की मौत। मामला दिल्ली की रोहिणी कोर्ट का है, जहां ये युवक पत्नी से चल रहे विवाद की सुनवाई के लिए कोर्ट आया हुआ था। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के लिए ये युवक बाहर गया, लेकिन वापस न लौटा। परिजनों को पता चला कि युवक के सर पर चोट लगने के कारण उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वो गाड़ी पार्क करने के लिए गया था मेरे को उतार के, तो 10 मिनट तक नहीं आया तो मैंने उसको खोल के, उसने फोन नहीं उठाया। मैं बाहर गया तो मेरे को कहा जी अभी एक लड़के को किसी ने, 3-4 आदमी थे, एक दो औरत थी मोटी मोटी सी, उन्होंने मारा है उसको, अभी वैन में डाल के वहाँ अम्बेडकर हॉस्पिटल ले। मैं सीधा यहाँ आया तो उन्होंने डॉक्टर ने कहा जी तो मेरे भाई की न्यायिक जांच कराओ जी, उसके ससुराल वालों ने उसकी हत्या की है। और ये उस बात का आप वहाँ रोहिणी कोर्ट के बाहर जाके देखो, पर 5 दिन पहले भी एक आदमी का वहाँ मर्डर केस आज एक बार। अब मृतक के परिजनों ने लड़की पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है, लेकिन दिन दहाड़े कोर्ट परिसर में युवक की मौत होना कई सवाल खड़ा करता है। दिल्ली से करुणा ठाकुर के साथ प्रभाकर राणा की रिपोर्ट, नवोदया टाइम्स।